अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू नाइटमेयर ऑटोज। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा आज का व्लॉग किस बारे में। वो इस बारे में कि यार बैक से जब से मैंने कराई थी लोअर, तो बैक से तो बड़े टायर लगाने के बाद ये जनाब उंगल फिटमेंट हो गई है गाड़ी सारे निकलेंगे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा उंगल फिटमेंट हो गई है बैक से, तो खैर फ्रंट से हमारा अभी तक खोता लाइफ स्टाइल चल रहा है। एंड वो देखें क्लिनिकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ ना, खोता लाइफ स्टाइल। तो खैर इसको भी आज हमने करना है सेट। एंड मकसद क्या है हमारा, हमने खर्चा नहीं करना होता। देखो खर्चा इसमें पहले ही बहुत हो गया है, आगे से इसने ये शेव भी करा ली है, इसने तो नहीं कराई, मैंने ज़बरदस्ती की है, लेकिन ये भी कराना है सेट अभी जब भी कराना हुआ। खैर फिलहाल तो हमने इसकी फिटमेंट सेट करनी है। आगे से गाड़ी बहुत ऊंची है एंड पीछे से, यार असल में ना इन गाड़ियों का सीन क्या है, पीछे से ये गाड़ियाँ वैसे ही इनका व्हील वेल नीचे था, तो यानी वैसे तो पीछे से ऊंची है और आगे से नीची है, बट मज़ा नहीं ना करा रही, मज़ा आना चाहिए ना। तो आगे से भी अभी यहाँ आज हम इसे ड्रॉप कर देंगे एंड फुल हॉट रॉड वाइब्स बनेगी, क्योंकि पिछला टायर भी थेक डला हुआ है, अगला छोटा टायर है, गाड़ी ज़रा ऐसे हो जाएगी और मज़ा कराएगी मेरा ख्याल है। तो करते हैं आज ड्रॉप। एंड ड्रॉप मैंने किस तरह करनी है, कॉयल ओवर शॉयल ओवर मैं नहीं लगा रहा भाई, मैंने जैसे कहा है मिनिमल खर्चा करना है हमने, तो हम इसके फ्रंट स्प्रिंग काटेंगे। ये टेंशन ना लें कि भाई स्प्रिंग काटने से ये मसला होता है वो मसला होता है, देखते हैं अगर मैं घर खोल के स्प्रिंग निकाल सकता हूँ तो मैं घर पे चेंज भी कर सकता हूँ स्प्रिंग्स। एंड उधर पीछे मेरे पास 1980 मॉडल के स्प्रिंग्स पड़े हैं, स्ट्रट्स बेसिकली, इसके अंदर लगे हैं 1974 मॉडल के स्ट्रट्स और 1980 के शॉक्स लगे हैं, तो वो पहले ही फिटिंग सही नहीं है, आगे से वैसे ही ज़्यादा ऊंची है। एंड अगर मैं आगे से गाड़ी को बाउंस देता हूँ ना, तो आगे से सस्पेंशन कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है, विच इज़ नॉट आइडियल फॉर एनी काइंड ऑफ ड्रिफ्टिंग और डोनट्स, एंड ड्रिफ्टिंग और डोनट्स इस गाड़ी का यानी मकसद है। तो आज हम आगे से कर रहे हैं ज़रा सी ड्रॉप, एंड ड्रॉप करते साथ ऑटोमेटिकली स्प्रिंग में थोड़ी सी स्टिफनेस भी आ जाती है, तो वो वाला सीन भी हमारा ओके हो जाएगा। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी को खोलना स्टार्ट करता हूँ, जैक स्टैंड्स पे चढ़ाता हूँ एंड देखते जाएं फिर। हाय, मेरा नाम है अमर सुहेल और मैं बनाता हूँ कार रिलेटेड कंटेंट। मेरी वीडियोस में आपको मिलेंगे कार रिव्यूज, कार प्रोडक्ट रिव्यूज, कार सेल परचेज, कार इंस्पेक्शन, कार रेस्टोरेशन और बहुत सारा ऐसा कंटेंट। गाड़ियाँ मेरे लिए एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं बल्कि एक पैशन है। एंड अगर आप रेगुलरली ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब द नाइटमेयर ऑटोज चैनल, बिकॉज यहाँ पर कंटेंट खत्म नहीं होता। अभी आपको पहले थोड़ा सा राउंड डाउन देता हूँ कि यार मैंने घर में सेफली इसके स्प्रिंग्स निकालने कैसे हैं। आपको तो पता है शॉक्स में से जब स्प्रिंग्स निकलते हैं बहुत स्पीड से निकलते हैं और आपको बड़ा हर्ट कर सकते हैं अगर आप सही तरह ना निकालो। मेरे पास प्रॉपर टूल्स हैं नहीं, मैं पहले ही कहूँगा। तो सीन ये होता है, इसका ये जो नट होता है ना, ये आप बिफोर हैंड खोल लेते हो ये दोनों साइड्स पे, एंड ये खोल के फिर आप अपनी गाड़ी जैक स्टैंड पे लिफ्ट करना स्टार्ट करते हो। तो उससे क्या होता है, आपका ऑब्वियसली शॉक ज़रूरत से ज़्यादा नीचे आता है, स्प्रिंग अपनी लिमिट पे जाता है, एंड फिर जब आप शॉक खोलते हो तो इस तरह होता है कि यानी स्प्रिंग भी लूज़ हुआ होता है फुल ईजी। तो उससे क्या होता है, बजाय झटका मार के निकलने के स्प्रिंग आराम आराम से ढीला होकर निकलता है, एंड इसी तरह यानी ऊपर से ढीला करके फिर हम खोलेंगे सारा निज़ाम। एंड आई नो इट इज़ नॉट द करेक्ट वे, बट यानी जुगाड़ लगाना है तो यही तरीका है, अगर सस्ता जुगाड़ लगाना है घर में तो। तो अभी टायर्स के नट्स ढीले करते हैं, इनके नट्स ढीले करके उतारते हैं एंड गाड़ी को फिर लिफ्ट करते हैं। तो मज़ीद 10-15 मिनट लगे हैं मुझे, टायर्स भी खोलनी हैं, शॉक्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला अंदर ही है, ये क्यों अंदर है, इसको मेरे ख्याल है ऊपर से हिट करेंगे तो नीचे आ जाएगा थोड़ा, हाँ आ जाना चाहिए। खैर जो भी सिचुएशन है ये निकल आएगा, इसकी टेंशन नहीं है। तो ये वाला देख लें, इट इज़ मच लोअर देन दी अदर साइड, ऊपर से देखें तो इसका ये भी निकल चुका है। उस वाले को थोड़ी सी परसुएजन की ज़रूरत है, परसुएजन होती है ज़रा ज़बरदस्ती। खैर गाड़ी मैंने इस तरह कैसे की है, दोनों टायर उतार के, तो शायद आप में से कुछ लोगों की चीखें निकलें ये देख के, वो देखें है थोड़ा ख़तरनाक, बट अगर देखें ना फर्म देखें कितना, मैं हिला रहा हूँ गाड़ी, जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही, तो मेरे हिसाब से तो सेट है। इसको अब निकालते हैं ज़रा, हाँ ये देखें ये भी नीचे चला गया है, इसको थोड़ा सा और प्रेस करेंगे तो ये और जाएगा, मेरा ख्याल है ये रुका हुआ है अपने कंट्रोल आर्म्स की वजह से। तो ये चीज़ें खोलते हैं सारा कुछ नीचे से, इंशाल्लाह शॉक हमारा इजी पीजी निकल आएगा, फिर इसको हम निकालते हैं स्ट्रट को
एंड हमारी गाड़ी 2 से 2.5 इंच हमने गिरा देनी है। अच्छा, गाड़ी अब हमने इस तरह चढ़ाई हुई है, तो मैंने आपको बता दूं कि जब हमने ये खोलने हैं, इसमें 3 मेन चीजें हैं। ये 2 नट्स है, ये बोल्ट हैं जो इसको होल्ड कर रहे हैं, ये इसका कान होता है, इसको कान कहते हैं। कान के ऊपर ये शॉक है, शॉक के साथ ही हमारी हब फिक्स होती है 1980 वगैरह करोला में, पुरानी करोला में बेसिकली जो रियर व्हील ड्राइव थी। तो इसके अलावा एक ये है हमारे ब्रेक की पाइप, ब्रेक लाइन जो होती है, ब्रेक लाइन खोल के इसके इर्द गिर्द 12 का नट और बोल्ट टाइट कर देते हैं ताकि हमारी लीकेज होना बंद हो जाए यहाँ से, वरना आपके साथ आपका सारा ब्रेक फ्लूड लीक हो जाएगा और आपको ब्रेकें अपनी बेसिकली दोबारा ब्लीड करने पड़ेंगी। वैसे ब्रेक लाइन मेरी नाजुक सी है लेकिन चल रही है तो इसको मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह 12 का नट बोल्ट आपने करके टाइट करना है, इवन दो उसके बाद भी लीक होता है क्योंकि आपका ब्रेक फ्लूड जो है ये बहुत जैसे कहते हैं इन्वेसिव होता है, ये पतली पतले क्रैक से गुजर जाता है, ये आपका जो नट होता है बड़ा टाइट होता है ताकि लीकेज ना हो। तो ये खोलेंगे, फिर इसके 12 का नट और बोल्ट लगाएंगे, वो फिर आपको दिखाता हूँ। बाकी ये खोलने के बाद हमने बस एक झटका मारना है, इसने बाहर आ जाना है, एंड क्योंकि हमारा स्प्रिंग बहुत लूज हो चुका है ऑलरेडी तो हमें कोई ऐसा डेंजर नहीं है। वैसे भी ये ऊपर नीचे से कवर्ड है तो स्प्रिंग बाहर आके मेरे मुंह पे नहीं लगेगा, लेकिन और ऊपर से लूज इतना है कि मैं हाथ से भी ऐसे कर सकता हूँ, तो ईजी सीन है, डेंजर हमें इधर कोई नहीं है रियल। तो उस साइड पे तो वैसे ही काफी नीचे आ गया स्ट्रट, पता नहीं कैसे, लेकिन ये देखें यहाँ से तो आपको नीचे सुराख पूरा नजर आ रहा है, ये तो फुल लूज है, ये देखें ना, ये हाथ से ऐसे ऐसे हो रहा है एंड फुल लूज, ये तो ये फुल इजी सीन है। तो बेसिकली जो स्ट्रट्स खोलते हुए मेजर आपको डेंजर होता है वो ये होता है कि स्ट्रट आपको उड़ के आपको लग सकता है या कुछ यानी हर्ट कर सकता है आपको, वो डेंजर अब हमारा खत्म हो गया। तो ये खोलते हैं, और यहाँ पर एक और भी इशू था जो कि नहीं पकड़ा जाता भाई, मेरे मैकेनिक से तो नहीं पकड़ा जाता, मुझे पता था क्या इशू है, वो है ये कि ये कान है, ये इसमें है प्ले, ये देखो अभी भी यहाँ गैप आया हुआ है। बेसिकली ये गैप क्या करता है, मेरे टायर में बबलिंग क्रिएट करता है एंड लॉन्ग रूट्स पे भी इनफैक्ट। ओ यार ये तो फुल डील है, ये तो मेरे हाथ से खुल रहा है, हद हो गई है यार किसी बात की। एनीवेज बबलिंग इसकी वजह से होती है एंड ये जरा तंग करता है, तो हम इसको भी सेट करेंगे अभी आज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रेक फ्लूड वैसे यहाँ पर तो थोड़ा सा ही लीक हुआ है, लेकिन होता रहता है, उस साइड पे बहुत ज़्यादा हुआ है, शॉक्स मैंने खोल लिए हैं एंड द फैक्ट कि मैं सही सलामत हूँ इस बात का अंदेशा है कि मेरा फॉर्मूला वर्क कर गया। वैसे इस साइड से खोलते खोलते मैंने अपने गोडे में एक दफ़ा मारा है शॉक, लेकिन अदर देन दैट जो स्प्रिंग से ज़्यादा डेंजर होता है, यहाँ से बहुत लीक है ब्रेक फ्लूड, खैर जो स्प्रिंग से डेंजर होता है, स्ट्रट से डेंजर होता है कि भाई ये घूम फिर के आगे आपकी नासों शासों में बाज सकता है, तो वो हमें नहीं फील हुआ क्योंकि हमने मेरा ये जो तरीकेकार है ना, ये मैंने एक दफा पहले स्टारलेट में अप्लाई किया था, यहाँ से ऊपर से इसके नट खोल के आराम सुकून से नीचे से खोलो, जैक का इस्तेमाल करते करते आप फिर ना ईजिली ओपन कर सकते हो। तो ये है कि ये तो हमारा ओपन हो गया मामला, अब इन स्प्रिंग्स को कटवाना है, इनका मैं हिसाब साफ लगवा रहा हूँ कि कितना कटवाऊँ तो कितना ड्रॉप आएगा, वैसे मैंने तकरीबन 2 इंच का ड्रॉप करना है, तो हिसाब साफ लगाएंगे तो उस हिसाब से फिर आपको बताते हैं आगे क्या बना क्या नहीं बना। तो अब मैं जाता हूँ ये शॉक्स वगैरह कटवाता हूँ एंड यार इस मामले में तो तकरीबन 2 घंटे लगने थे अगर मेरे पास यानी 17 की गोटी होती है, मुझे बाद में लानी पड़ी है, 2 घंटों के अंदर ये स्प्रिंग कट कुट के मेरी गाड़ी लोअर हो जानी थी, इसके 3-4 हज़ार रुपये ईजी पकड़ लेते हैं आपसे स्प्रिंग काटने के बस। तो ये है कि अगर हमारे पास कॉइल ओवर वाला माहौल होता वो तो और भी प्यारा हो जाना था। अब मैं दस्ती आता हूँ ये स्प्रिंग्स कटवा के एंड फिर आपको दिखाते हैं गाड़ी के लोड का क्या सीन है, यानी मैं आपको बंद करते हुए तो ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, वो तो इजी सीन है, वो तो आता है बंद करना। तो ये है कि ये भी गैप्स वैसे तो ठीक है, मुझे इस पर डाउट था कि पता नहीं गैप्स में ना इशू हो, गैप्स भी ठीक है, तो इसको टाइट करके बस बंद करेंगे, आई थिंक हमारा मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ये क्या सीन है, ये भी हो सकता है रीज़न, इसको ग्राइंड करके स्मूथ करें ये सेट हो जाएगी बबलिंग शायद, तो इसको भी कर लेते हैं, खैर अपना मामला सेट है। तो अब हम हुए हैं अपने खरादी के पास से एंड ये इसके ऊपर जो दाने थे जिसकी वजह से बैलेंस नहीं पा रहा था, वो हमने ग्राइंड करके बिल्कुल इसका फेस सीधा करा दिया एंड हमारे स्प्रिंग भी कटे गए। तो खैर मैं तो ज़्यादा काटने का सोच रहा था, लेकिन मुझे मैकेनिक और खरादियों ने मशवरा दिया कि आप बहुत ज़्यादा कटवा रहे हैं, आपकी गाड़ी ज़मीन के साथ लग जाएगी, तो ये है कि उन्होंने फिर अपने हिसाब से काट दिए। लेट्स सी कि क्या बनता है निज़ाम, लेकिन अब मैं इसकी फिटमेंट की तरफ जाता हूँ, वो भी हम अपना फिट करते हैं, अब इंशाल्लाह इससे हमारी बबलिंग वाला रोला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यार पता नहीं मैकेनिक सी छोटी छोटी चीज़ें क्यों नहीं नोट करते हैं,
इसके चक्कर में ये मेरा पूरी स्टेयरिंग असेंबली एक दफा चेंज कर चुका बंदा, ये थोड़ा सा ग्राइंड करा लेता तो मेरा मसला हल हो जाता। अच्छा, खोलते टाइम तो मैंने फॉर्मूला ये लगाया था कि पहले मैंने ये सारा स्ट्रट खोल शॉक खोल लिया था एंड उसकी वजह से स्ट्रट वगैरह निकालने आसान थे। फिटिंग के टाइम वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर वो बैलेंस चैलेंस बनाते बनाते अजीब हो जाना था निज़ाम एंड तो इस वजह से मैंने ये किया कि पहले माउंटिंग लगा ली है एक साइड की, जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड की उधर ही है। अब ये माउंटिंग खोल के मैं उसी तरह शॉक पूरा कंप्लीट करूँगा एंड फिर इसको गाड़ी के अंदर फिट करूँगा। इस तरह ये सीन ज़्यादा ईजी था क्योंकि शॉक हमारा कटा हुआ था, मुझे कोई कंप्रेसर वगैरह भी नहीं यूज़ करना पड़ा इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए, तो गुड सीन हो गया यहाँ पर। एंड अब वो सारा सामान फिट भी हो गया, बस टाइटन करना रह गया थोड़ा थोड़ा, नीचे से भी थोड़ा, बस आर्थिक तौर पे सारा कुछ फिट हो गया। अब इसके ऊपर व्हील शील लगा के हम बंद कर सकते हैं और टाइट हम बेशक बाद में भी कर लें तो इजी सीन है क्योंकि मैं सुबह का लगा हुआ, अब मैं थक गया हूँ। एक साइड का टायर रह गया, एक साइड का मैंने फिट कर दिया। ये फिट करके गाड़ी को नीचे करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ी तो मैकेनिक की वर्कशॉप जाके डेक पे लगा के इजीली सारा कुछ टाइट शाइट करेंगे, फिट कर लेंगे। ब्रेक फ्लूड हमने टॉप अप कर दिया है, वो भी टेंशन खत्म लीकेज की, क्योंकि ब्रेक लाइन्स हमने अब कर दी हैं बंद, तो जितनी भी लीकेज होनी थी वो हो गई है। अब ये हमारा ब्रेक फ्लूड का कैप हम लगा रहे हैं वापस, टॉप अप करने के बाद में भूल गया था रखना। एंड ये लो ब्रेक फ्लूड का कैप भी रख दिया। एंड ये आप सोच रहे होंगे ये जो है ये क्यों नहीं कनेक्टेड, ये इस वजह से नहीं कनेक्टेड क्योंकि ब्रेक सर्वर हमने अपग्रेड कराया हुआ है, ये 80 मॉडल का है, इसके अंदर इस तरह का आया नहीं था। तो ये ब्रेक की लाइट खैर इससे ऑन होनी होती है, ब्रेकें हमारी वैसे ही ठीक है इसी ने पता है। तो अपना नीचे करते हैं यार गाड़ी, अब सुबह से ऊपर चढ़ी हुई है एंड मैं अब थक चुका हूँ, हाथों का अशर आप देख लें। तो खैर बिल्कुल ना होने के बराबर खर्चा हुआ है, 200 रुपये खरादिए ने लिए स्प्रिंग काटने के, बाकी मेहनत तो मेरी फिर सुबह से लाग रही है, ये तो फिर आपके सामने है। जो है पैसों का बदला आपने मेहनत से देना होता है। थोड़ा सा शायद अभी और खर्चा हो, इधर नट शर्ट कुछ मुझे लूज लग रहे हैं वो शायद चेंज करने पड़े, ब्रेक फ्लूड शायद और लेना पड़े, तो ये है कि खर्चा फिर भी हो ही जाता है, क्या करें। मोमेंट ऑफ ट्रूथ आ गया, सारा कुछ देखे मैंने, ईंटें ऊँटें जितनी भी थी ये माशाल्लाह तोड़ी भी है गाड़ी ने, खैर ईंटें वीटें सारी मैंने उतार ली हैं। अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ आ गया, गाड़ी में नीचे कर रहा हूँ एंड मैंने कहा गाड़ी नीचे करते हुए यार वीडियो तो बननी चाहिए, तो ये वो फोन को मैं रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर एंड मैं गाड़ी अब नीचे करके आ रहा हूँ। खैर ड्रॉप तो हुई है बट अगेन मुझे मेरा मैकेनिक खा गया, मैंने उसे कहा था कि मैंने ज्यादा ड्रॉप करनी है, कम ड्रॉप हुई है शायद उस साइड पे ज्यादा हुई है, क्योंकि शॉक का क्या बताऊं, वो वाला साइड निकल गया, ये वाला साइड है, तो वो देखना पड़ेगा हमें क्या हुआ है, कोई मसला नहीं है, इजी वो है, सब सेट है, इधर से दोबारा उठाएंगे, सेट कर लेंगे, ये तो फिर चलता है, लेकिन ड्रॉप हुई है काफी। गाड़ी का स्टांस इम्प्रूव तो हुआ है, अब ये है कि चल के आएगी तो असल पता चलेगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं आगे से भी गाड़ी काफ़ी ड्रॉप हो गई है, लेकिन सिर्फ इस साइड पे यार मुझे समझ से बाहर है, मैं उस साइड का स्प्रिंग दो बार कटवा बैठा हूँ, यहाँ से इतनी क्यों लिफ्टेड है, समझ से बाहर है मामला, गिरी तो है ऑब्वियसली लेकिन यार अभी भी हाइट उसकी काफ़ी ऊपर है। अब आज तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं सर मज़ीद कुछ भी करने की, हो सकता है कल अपना करके टाइम निकाल के उसका स्प्रिंग और कटवाऊँ, और क्या वजह हो सकती है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्प्रिंग कटे और गाड़ी नीचे ना हो, हो सकता है ये व्लॉग अपलोड होने से पहले मैं कर लूँ नीचे शीचे इसको सेट कर लूँ, लेकिन हो सकता है ना करूँ, इन दी ऑफ चांस के ना करूँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यार इट हैज बीन अ राइड, वैसे मैं इसकी सस्पेंशन दो बार खोल चुका हूँ घर में, इस दफा एक ये फायदा हो गया कि हमें वो उसके कान का पता चल गया जो स्टेयरिंग आर्म्स के बाद लगते हैं, वो हमने फेस करा लिए तो गाड़ी के अंदर जो एक वॉबल था वो खत्म हो जाएगा, ये बड़ी अच्छी बात है, लॉन्ग रूट्स पे भी जा सकेंगे फिर इजीली हाई स्पीड्स पे, पहले हाई स्पीड पे थोड़ी वाइब्रेट करती थी। तो खैर अगर तो मजा आया तो गिव इट अ थम्स अप, कमेंट्स में बताओ यार ये क्यों नहीं गिर रही, समझ से बाहर है यार,
जी यार, पहले इसने हिस्से की बारी तंग किया, अब इसने इस एक एक साइड से तंग करना है। मेरी समझ से बाहर है, ये गाड़ी चाहती क्या है मेरे से, लेकिन खैर है, हाय अल्लाह। तो लो वाइज जो मैंने करना था कर दिया, इवन तो मैं काफी थक गया था, खाना शाना खा के मैं दोबारा लगा हूँ। एक और दफा ये साइड खोली है, दोबारा ये शॉक कटवाया। यार ये साइड ना पहले भी ऊंची थी, तो ना इसने कटना ही था टिका के ना, तो तकरीबन एक इंच ज्यादा कटा यहाँ वाला शॉक उस वाली जगह, यहाँ वाला स्ट्रट स्प्रिंग उस वाली साइड से। तो फाइनली फिटमेंट ओके हो गई है। इस साइड पे भी तकरीबन दो उंगलियों का गैप है, एंड इस साइड पे भी हमारा दो उंगलियों का गैप है। अगर आपको ऐसे लग रहा है ये वाला टायर बाहर है तो परेशान ना हो, बड़ी देर मैं भी इस बात पे खपता रहा हूँ, ये टायर बाहर नहीं है। इधर लाइट ऐसे पड़ रही है कि शेडो की वजह से लग रहा है ये अंदर है वो बाहर है, बड़ी देर मैं भी परेशान रहूँगा, ये पता नहीं ये क्या ड्रामा चल रहा है, लेकिन खैर इजी सीन है। तो पीछे से बिल्कुल एक उंगली वाली फिटमेंट, आगे से दो उंगलियों वाली फिटमेंट बनी हुई है हमारी गाड़ी की अब, एंड गेम्स हमारी हो गई हैं स्ट्रांग। तो द बुगी मैन इज रेडी फॉर द यूटी ऑटो शो। मेरा ख्याल है सही हॉट रॉड वाइब्स हैं, देखें ना अगर आप देखें इस एंगल से, ओए होए होए आए है, बैक से थिक बड़े टायर्स, आगे से छोटे टायर्स लग रहे हैं, और इवन दो अगले टायर साइज में बड़े हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है इस गाड़ी का, यानी पिछले बहुत बड़े लग रहे हैं, बट इन द एंड हमारी फिटमेंट होगी सेट एंड करोला रेडी है। तो यार काफ़ी आज टफ टाइम गुजारा है, लेकिन हमने घर पे गाड़ी ड्रॉप करके छोड़ी है। तो स्प्रिंग कट गया, फिटमेंट हमारी सेट बन गई है, बैक से बिल्कुल एक उंगली वाली फिटमेंट, आगे से दो उंगलियां, यानी बेहतरीन है। और इस तरह की ये हाइट है कि यार इसके ऊपर मैं सिटी में इजीली ड्राइव भी कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाली भी है, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह थोड़े से काटने पड़ते हैं बिकॉज ऑब्वियसली आगे से काफ़ी ड्रॉप कर दी है, बट ओवरऑल गुड सीन्स हो गए हैं। तो यार गाड़ी कर दी हमने ड्रॉप, एंड आई होप आपको कुछ मजे का लगा हो इसमें, या आपको कोई इनसाइट मिली हो, कभी आपने अपनी गाड़ी खुद घर पर ड्रॉप करनी हो तो आपको गाइडेंस मिली हो। मैं रेकमेंड नहीं करता यार, अगर आपको नहीं एक्सपीरियंस तो आप अपने आप को बड़ी सख्त चोट लगा सकते हो, तो खुद ना ही ड्रॉप करो, मेरा मशवरा तो आपको ये है। बाकी ऑन सीन्स हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, अगर मजा आया मुझे ख्वार होता देख के। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।